दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे SBR के बारे में। SBR क्या होता है और इसे कैसे यूज़ करते हैं और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये आप सामने देख रही है हमारे पास, ये पहले इन्होंने पानी डाला है। पानी के बाद इसमें सीमेंट मिक्स करते हैं और सीमेंट जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसमें नीरू बन जाए, तो उसके बाद इसमें हम SBR डालेंगे। तो SBR और इसकी जो रेशियो है 1:1:1। अगर आप SBR आपके पास 1 लीटर है तो इसमें 1 लीटर पानी डलेगा और 1 kg आपका सीमेंट डलेगा। तो इस हिसाब से ये बनेगा। ये भी बना रहे हैं इसको, ये आप देख रहे हैं उन्होंने इसमें सीमेंट मिक्स किया है और उसके बाद अभी SBR इसमें डाल रहे हैं। जब ये नीरू मुकम्मल मिक्स हो जाए सीमेंट और पानी, तो उसके बाद इसमें SBR डाल के इसको मिक्स अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसका जो कलर है वो हल्का पर्पल टाइप का कलर हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, उसके बाद यहाँ पे कंक्रीट का जेंड आता है या रिपेयर वर्क का, उस जगह पे ये SBR यूज़ होता है। कंक्रीट जॉइंट को पहले अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद उसको ये SBR किसी भी चीज़ से ये साइडों पे उसको लगवा देते हैं। ये आप देख ले कि अभी हम ये SBR जो है ये भी तैयार हो गई। इसके बाद ये हम यूज़ करेंगे साइडों पे। हमने इसमें डाला हुआ है 5 kg, जो 5 लीटर पानी था 5 kg सीमेंट हो गया, और 2.5 लीटर की दो बोतलें SBR वो हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। तो ये आप देख लें, SBR जब बन जाते हैं उसका कलर इस तरह का हो जाता है और फिर इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास अभी हम ये यूज़ करेंगे। अगर जो कपटिंग हमारे पास आ रही है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। ये आप देख लें, अभी ये जो साइड है इस पर हमारा कंप्लीट जॉइंट आ रहा है, तो इस पर हम इस तरह से लगाएंगे ताकि जितनी भी सरफेस है उसमें इसके पूरे के ऊपर ये SBR हमारा लग जाए, ताकि कंप्लीट के द्वारा जब कंप्लीट होती है तो इसका जॉइंट आप उसमें इस तरह से बन जाए। ज़्यादातर प्रोजेक्ट के दौरान जो हम यूज करते हैं वो मोरू यूज करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कंप्लीट जॉइंट। Thank you.